नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस का आयोजन किया जाता है। टीबी एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है जिससे हमारे देश में मुख्य रूप से युवा और कामकाजी लोग प्रभावित होते हैं। ये दुर्भाग्य है कि देश में आज भी इस बीमारी के कारण प्रति 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है। इस बीमारी के इलाज और बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने की अत्यंत आवश्यकता है। हम पहले भी आपको टीबी की बीमारी के लक्षणों के बारे में बता चुके हैं, इसलिए आज हम आपको टीबी की बीमारी के घरेलू उपचार बताएंगे। यदि टीबी का इलाज नहीं किया गया तो इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। कोई भी घरेलू उपचार तब तक काम करता है जब तक कि आप अच्छा परहेज और नियमित तौर पर बताई गई घरेलू दवाएं लेते रहें। ये बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। लहसुन ये कीटाणुओं का नाश करती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, साथ ही ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसे कच्चा या पकाकर खाना चाहिए। इसे खाने का एक तरीका है कि 10 लहसुन की कलियों को 1 कप दूध में उबाल लें, फिर उबली हुई कलियों को चबाकर खा लें और ऊपर से दूध पी लें। ऐसा कुछ दिनों के लिए करें, पानी ना पिएं, नहीं तो ये असर नहीं करेगी। केला केले में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जिससे टीबी के रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये कफ और बुखार को भी दूर भगाता है। रोगी को 1 गिलास कच्चे केले का जूस रोजाना देना चाहिए। सहजन ये टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से छुटकारा दिलाता है। ये फेफड़ों की सूजन को कम करता है, संक्रमण से राहत दिलाता है। आप सहजन की मुट्ठी भर पत्तियों को 1 कप पानी में 5 मिनट के लिए गर्म करके ठंडा होने के बाद उसमें नमक, मिर्च और नींबू निचोड़कर रोगी को पीने के लिए दे सकते हैं। इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीना चाहिए। इसके अलावा उबली सहजन को रोजाना सेवन करने से भी राहत मिलती है। आंवला ये शरीर को कई तरह के पोषक तत्व पहुंचाकर उसे मजबूती प्रदान करता है। इसका जूस निकालकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना खाली पेट पीने से ये बीमारी दूर होती है। संतरा 1 गिलास ताजे संतरे के रस में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शहद मिक्स करके पिएं। इसे दिन में 2 बार पिएं। सीताफल 1 कप पानी में सीताफल के गूदे को 25 किशमिश के साथ उबालें। जब पानी 1/3 हो जाए तब तक इसे पकाएं। फिर इस मिश्रण को छान लें और उसमें 2 छोटे चम्मच चीनी और चुटकी भर इलायची पाउडर मिलाएं। ठंडा करके दिन में 2 बार रोज पिएं। काली मिर्च फेफड़ों की सफाई करती है और टीबी की वजह से होने वाले दर्द को दूर करती है। 10 काली मिर्च के दाने को घी के साथ फ्राई कर लें, फिर उसमें 1 चुटकी हींग पाउडर डालकर मिक्स करके ठंडा कर लें। मिश्रण को 3 भागों में बांटें और 1 डोज को लगभग हर 1 घंटे में चबाएं। पुदीना इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो कफ से निजात दिलाता है। ये फेफड़ों को भी खराब होने से बचाता है। 1/2 कप गाजर के जूस में 1 चम्मच पुदीने का रस, 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच शुद्ध सिरका मिलाएं। इस मिश्रण को 3 भागों में बांट लें और हर 1 घंटे में पिएं। ग्रीन टी को पानी में अच्छी तरह से उबाल कर पिएं। ये उस बैक्टीरिया का खात्मा करती है जो टीबी को पैदा करते हैं, साथ ही ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर आए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करें। धन्यवाद।